राकेश करण, लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम. कहाँ? द्रास. यहाँ कैसे? बैड न्यूज. वो अपना अबीर सक्सेना था, शहीद हो गया आज. अबीर कैसे? हाईवे पर शलीम ने. ये सब क्या हो रहा है? मुश्को, द्रास, काकसर, बटालिक, सब जगह यही हाल है. आई डोंट अंडरस्टैंड. क्यों होती है जंग? क्यों मारे जाते हैं लोग इस तरह? कब समझेंगे लोग कि इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है? जस्ट शट अप. जस्ट शट अप. ये अमन और शांति पे लेक्चर देना तो कहीं और जाओ. गेट लॉस्ट. देखिए, आप गलत समझ रहे हैं. तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए. तो क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाए उनके सामने, थाली में सजा के अपना मुल्क हवाले कर दे उनके? अमन और शांति. कैप्टन अबीर सक्सेना को भी अमन और शांति चाहिए थी, पर वो तो नहीं गया था किसी के मुल्क पे हमला करने. हमला अबीर के मुल्क पे किया गया है. वो जिस सड़क, जिस जमीन पे मारा गया है, वो हिंदुस्तान की सड़क है, हिंदुस्तान की जमीन है. जाओ पहले अबीर सक्सेना की बॉडी को देखो, उसके बाद बात करना. जाओ देखो. साकेत, ओके, आई एम ओके. आज उसका बहुत करीबी दोस्त शहीद हुआ.